Good morning, second class. I hope you all are doing well. I have a poem. आप सब अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रखते होंगे class. So class, मैंने आपको last class में क्या कराया है? हमने क्या करा है? Noun. क्या करी है हमने? क्या करा था हमने last class में class? Noun. ठीक है, हमने last class में पढ़ा था. Noun क्या होता है? एक बार दोबारा से revise करते हैं. A noun. क्या होता है नाउन क्लास? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल. किसी भी चीज का नाम, किसी भी चीज के पर्सन, किसी भी चीज का, किसी भी बंदे का पर्सन का नाम, किसी भी प्लेस का नाम, थिंग का नाम, एनिमल के नाम को क्या कहते हैं? उनका नाउन. क्या कहते हैं क्लास साहब? नाउन. एग्जांपल, एग्जांपल दिया था मैंने और नाम. हाँ, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना इसका. क्या दिए थे क्लास? Person, place,
Write it down, class. फिर मैं अभी कराती हूँ इसमें आप लोगों को. इसमें आपने लिखना है कौन सी, इसमें जो भी मैंने आपको वर्ड दे रखे हैं, कौन से वर्ड के आगे क्या आएगा, गर्ल के आगे क्या आएगा, बर्ड के आगे क्या आएगा, गार्ड, बटल, शीप, टाइगर, गार्डन, फॉक्स. आपने लिखना है इसमें से कौन सी चीज पर्सन है, कौन सी प्लेस है, कौन सी एनिमल है और कौन सी थिंग है. राइट इट डाउन क्लास. हैंडराइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. घसीटे मत मारना कॉपीज में. आप लोगों की जिनकी भी कॉपीज आई है, कुछ बच्चों ने बहुत गंदा काम किया है क्लास, प्लीज कॉपीज गंदी मत बनाओ. चलो क्लास ऑफ करते हैं. क्वेश्चन कहता है इन वर्ड्स के आगे लिखो कौन सा पर्सन है, प्लेस है, एनिमल और थिंग है. अब गर्ल के आगे पर्सन, गर्ल के आगे पर्सन, हट के आगे प्लेस, मतलब जगह पे है ना, बट हट के आगे प्लेस, ठीक है. गार्ड्स के आगे पर्सन,
again. Tina is very intelligent. Teach me focus, the name of a particular
लिख लिया क्लास? Example. A bunch of peas.
clearly. अब कलेक्टिव नाउन, अब मैम ये नाउन तो हमने पहले बार सुना, बताती हूँ बेटा ये नाउन क्या होता है. कलेक्टिव नाउन का मतलब बहुत सारी चीजों को मिला के एक चीज बोलना. अब जैसे आप लोग क्लास में कितने स्टूडेंट्स हो, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड क्लास, आप लोग एक क्लास में 25 स्टूडेंट्स हो, ठीक है. आप 25 स्टूडेंट्स हो तो मैं आपकी पूरी क्लास को अगर मैं कलेक्ट करूँ, अगर 25 स्टूडेंट्स का नाम तो नहीं लूंगी ना, मैं आपको क्या बोलूंगी, क्लास बोलूंगी. तो जितने स्टूडेंट्स हो आप उस क्लास में आते हो, ठीक है. अगर मैं आप लोगों के नेम बुलाऊंगी तो वो प्रॉपर हो जाएगा कि हाँ मैं इसी बच्चे को बुला रही हूँ. अगर मैं पूरी क्लास को बोलती हूँ सेकेंड क्लास लिसन टू मी तो पूरी क्लास आती है. पूरी क्लास में आप सारे बच्चे आते हैं तो जिस चीज को हम बहुत सारी चीजों को मिला के एक चीज बोलते हैं उनको क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन एज अ नेम ऑफ अ नंबर ऑफ अ पर्सन और अ थिंग टेकन टुगेदर मतलब एक बारे में बहुत सारी चीजों को मिलाना और उनको एक ही रीड करना, उसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन. अब जैसे आप लोगों ने 5-10 बच्चे हो, आप लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, ठीक है. अब उस 5-10 बच्चों में जो जैसे टीम ए है टीम बी, अब टीम ए में 10 है टीम बी में 5 है. अब टीम ए तो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप 10 बच्चे हो और 10 को मैं टीम ए का नाम देती तो वो क्या हो गया, कलेक्टिव. अब ऐसा तो नहीं मैं टीम ए में नाम देती रहूंगी कनिष्का सिद्धार्थ और क्या बोलते हैं कोई भी नहीं, मैं इनके नाम तो नहीं लूंगी ना. अब मैंने आपको 10 बच्चे एक टीम में कर दिए, 10 बच्चे एक टीम में कर दिए तो टीम ए क्या होगी, कलेक्टिव नाउन. बहुत सारे बच्चों को मिला के क्या बनी, एक टीम बनी. तो बहुत सारी चीजों को मिला के जो एक चीज बनती है उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन. देखो अब बंच ऑफ कीज, बहुत सारी कीज एक ही जगह हो, एक ही मतलब एक ही कीचेन में हो, एक ही छल्ले में हो तो उसको क्या कहेंगे, बंच. उसको क्या कहेंगे, बंच. तो बंच क्या हो गया आपका, कलेक्टिव नाउन. देन बंच ऑफ चेरी, और बहुत सारे चेरीज का एक गुच्छा, बहुत सारे चेरीज एक ही गुच्छे में है तो उनको हम क्या कहेंगे, बंच. ठीक है क्लास, तो ये आपके कलेक्टिव नाउन है. एक बार इसको रीड करो, फिर इसकी 2-4 हम सेंटेंसेस करते हैं, फिर आपका नाउन फिनिश हो जाए. ठीक है क्लास, राइट इट डाउन क्लास. लिख लो क्लास, फिर इसको भी फिनिश करते हैं हम करके. मतलब कलेक्टिव नाउन के सेंटेंसेस है, फिल द ब्लैंक्स विद कलेक्टिव नाउन. Thank you.
touching. ठीक है, हार्ट मतलब उनके झुंड को बोलते हैं. अब हार्ट ऑफ कैटल इज पासिंग, बहुत सारा गाय का झुंड पास से जा रहा है. इंडियन आर्मी शोज ग्रेट करेज. इंडियन आर्मी है, अब आर्मी, अब एक एक का नाम तो नहीं लेंगे, तो उन सबको हम क्या बुलाते हैं? आर्मी. डैश कलेक्शन ऑफ प्लेयर, जैसे मैंने आपको टीम का एग्जाम्पल दिया, टीम का कलेक्शन ऑफ प्लेयर. अ ब्रांड ऑफ म्यूजिशियन, सॉरी मैंने आंसर ही लिख दिया, कलेक्शन ऑफ म्यूजिशियन. जब बहुत सारे म्यूजिशियन एक जगह हो तो उनको क्या कहते हैं? वो पूरा मिलके बनते हैं बैंड, अ कलेक्शन ऑफ म्यूजिशियंस. जो भी चीज को हम बहुत सारी चीजों को एक वर्ड में एक्सप्लेन करें उनको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन. राइट इट डाउन क्लास. ओके क्लास.